हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप? आज तो आज हम बनाएंगे सूजी का चीला। ये बिल्कुल कम तेल में बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सूजी का चीला बनाने के लिए हमें चाहिएगी सूजी। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही डालने से हमारा चीला सॉफ्ट भी रहता है और टेस्टी भी लगता है। अगर दही बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है, मीठा है तो अच्छी बात है, और अगर खट्टा है, पुराना है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका चीला और भी ज़्यादा फ्लफी बनेगा और इसमें थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसका एक स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेंगे। बहुत दिनों से एक हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी की डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल वही रखूं जैसे मैं बनाती हूं। तो पहले मैं सूजी को इस तरीके से मिक्स करके साइड में रख देती हूं, क्योंकि इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब तक सूजी फूल के तैयार हो रही है, उतनी देर में हम प्याज को भी काट के तैयार कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं इस बैटर को रखे हुए और ये हमारी सूजी फूल गई है और हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर डाल के सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो इधर हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्टली बनके तैयार है। तो चलिए कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और इस पर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है। अब हम पैन के ऊपर 2 टेबलस्पून बैटर डाल देंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का सा फैला देंगे। तवा हमारा मीडियम गर्म है और फ्लेम भी हमने मीडियम पे रख रखा है, और अब हम इनको इसी तरीके से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। चीलों को आप साइज में बड़ा भी बना सकते हैं, आज मैंने बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बनाए हैं। जब चीले के ऊपर हल्के हल्के बबल्स आ जाएंगे और इसका रंग ऊपर से हल्का हल्का चेंज होने लग जाएगा, तब हम इस चीले को पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। और ये हमारा चीला बढ़िया फर्स्ट क्लास सेक के तैयार है। तो चलिए इसे सर्व भी कर देते हैं। तो सर्व करेंगे हम इसको हरी चटनी के साथ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे, वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट फ्रेश एंड एंजॉय।